के समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, फिर इसे विस्तार से समझेंगे, इसके उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे। अब देखेंगे कि यह विषय चर्चा में क्यों है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के पुराने 11 कानूनों को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही यहां कोई भी भारतीय बिना डोमिसाइल के कृषि भूमि को छोड़कर जमीन खरीद सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है, जिसके तहत कोई भी भारतीय अब जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में भूमि कानूनों में कई बदलाव किए हैं। अब इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इसके तहत कृषि भूमि का इस्तेमाल सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए करने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास निगम की स्थापना के लिए जम्मू कश्मीर विकास अधिनियम 1970 में संशोधन किया है। केंद्र ने कानून की धारा 17 के तहत राज्य के स्थायी निवासी वाक्य को हटा दिया है। ताजा बदलावों से गैर निवासियों के लिए संघ शासित प्रदेश में जमीन खरीदने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह संशोधन कृषि भूमि का स्थानांतरण गैर कृषि कार्य वालों को करने की अनुमति नहीं देते हैं। कानून में कई रियायतें दी गई हैं, जिसके तहत कृषि जमीन को कुछ गैर कृषि कार्य के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें शैक्षणिक या स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का विकास शामिल है। इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में उद्योगों को तेजी के साथ स्थापित करना और उन्हें बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास निगम का गठन औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षित और योजनाबद्ध तरीके से उद्योगों की स्थापना कर उनका तेजी के साथ विकास करने में सहयोग करना है। अब एक नजर इसकी पृष्ठभूमि पर। 2019 अगस्त में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A हटाए जाने से पहले गैर निवासी जम्मू कश्मीर में अचल संपत्तियां नहीं खरीद सकते थे। 5 अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की अपनी एक अलग संवैधानिक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक, जिनके पास राज्य का स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र है जिसे स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता है, हो वही जमीन खरीद सकते थे। देश के किसी अन्य भाग का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपने मकान, दुकान, कारोबार या खेतीबाड़ी के लिए जमीन नहीं खरीद सकता था। वह सिर्फ कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर पट्टे के आधार पर जमीन प्राप्त कर सकता था या किराए पर ले सकता था। अब ये रहा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत फैसला लिया है कि यहाँ से बाहर का व्यक्ति भी यहाँ जमीन खरीद सकता है। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसके तहत यहाँ कोई भी भारतीय बिना डोमिसाइल के कृषि भूमि को छोड़कर जमीन खरीद सकता है। कथन दो, इसके तहत कृषि भूमि का इस्तेमाल सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए करने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त में असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.